हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारा ये नेल पेंट का किट। इसका आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसे में मुझे अमेज़न से इसकी पैकेजिंग रिसीव हुई है, तो इस ये मैंने कट करके ऑलरेडी पैकेट रख लिया है। अभी हम ओपन करके इसको देखते हैं कि इसके अंदर मतलब हमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसी दिख रही हैं। तो ये सारे सेट ऑफ ब्रशेस दिख रही हैं और ये पीछे में भी कुछ हमारे सेट्स दिख रहे हैं किट के। तो चलिए अब हम इस पैकेट को खोलते हैं और देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या रिसीव हुआ है। तो अभी हम ये पैकेट खोल लेते हैं पहले। और अब हमने पैकेट खोल लिया, ये हमारा पहला आइटम रिसीव हुआ है और ये हमारा दूसरा आइटम रिसीव हुआ है जो हमारे मेन पैकेट के अंदर था, और अभी ये हमारा तीसरा आइटम रिसीव हुआ है जो हमारे मेन पैकेट के अंदर था। तो टोटल इस मेन पैकेट के अंदर हमें तीन पर्टिकुलर आइटम्स रिसीव हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं थर्ड, ये सेट ऑफ ब्रश दिख रहा है। हम सारे आइटम की जो है वन बाय वन डिटेलिंग भी बताएंगे, बट अभी के लिए एक चीज़ और गाइज मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि जो भी आइटम्स हमें रिसीव हुए उनकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी की गई है। अगर आप इसकी ही पैकेजिंग देखेंगे तो देखिए इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी की गई है, काफ़ी सेफ पैकेजिंग है और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। तो मैं इसकी पैकेजिंग के लिए भी 5 out of 5 में देना चाहूँगी इस प्रोडक्ट को। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट की डिटेल में। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है वो डॉटिंग टूल्स का सेट है। ये 5 डॉटिंग टूल्स का सेट है। तो चलिए, और इसकी देखिए गाइस पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी की गई है, मतलब आप ये यूज़ करके फिर आप वापस से इस पैकेज में रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, मैं फिर से कहूँगी 5 out of 5 पैकेजिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग है। तो देखिए, ये है हमारा फर्स्ट डॉटिंग टूल, और जो इस ये डॉटिंग टूल है इसका ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। और चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट डॉटिंग टूल है वो कैसा दिखता है। तो बेसिकली जो ये 5 सेट्स ऑफ डॉटिंग टूल्स हैं ये इनफ होंगे आपके नेल आर्ट के लिए। इसमें आप हर साइज़ के डॉट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये 5ों जो है डॉटिंग टूल्स जो है वो अलग अलग डिफरेंट साइज़ के डॉट्स बनाने के लिए जो है वो काफ़ी परफेक्ट है। तो मतलब ये मोर देन सफिशिएंट होगा आपके नेल आर्ट के लिए। इसके बाद आपको किसी तरह की डॉटिंग टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं ये 5ों जो डॉटिंग टूल्स है इसके जो डॉटिंग का जो साइज़ है वो कैसा है। और एक चीज़ जो है गाइज इसमें कि ये जो 5ों डॉटिंग टूल्स है, चलिए एक बार मैं इसको दिखा देती हूँ वैसे कंपेयर करके भी। देखिए ये फ्रंट साइड है और आप देख सकते हैं कि सारे जो डॉटिंग टूल्स जो हैं उसका साइज़ आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। इसे आप हर साइज़ के डॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, सबके जो डॉटिंग के जो साइज़ हैं वो अलग अलग हैं। और अगर आप बैक साइड की भी बात करेंगे तो बैक साइड भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। बैक साइड में भी जो डॉटिंग के जो साइज़ हैं, जो डॉट साइज़ बने हुए हैं वो डिफरेंट बने हुए हैं। मतलब जो आपका एक डॉटिंग टूल है उसके फ्रंट और बैक का भी जो दोनों का जो डॉटिंग साइज़ है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं कि फ्रंट में भी सेम साइज़ और बैक और अप में भी सेम साइज़ और डाउन में भी सेम साइज़, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका फ्रंट का साइज़ अलग था और नीचे का साइज़ अलग था। इसका देखेंगे अगर आप तो ऊपर जो है डॉट का साइज़ जो है वो अलग है और नीचे के डॉट का साइज़ थोड़ा छोटा है। तो ऐसे जो हमारे सारे जो भी डॉटिंग टूल्स हैं उसमें देखिए इसका भी जो है डॉटिंग का साइज़ थोड़ा छोटा है और इधर थोड़ा और छोटा है। तो ये जो भी देखिए इसका भी फ्रंट में जो साइज़ है और इसका बैक में जो साइज़ है थोड़ा बड़ा है, फ्रंट में थोड़ा छोटा था। तो वैसा है कि एक डॉटिंग टूल भी आपको 2 साइज़ ऑफ डॉट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ में आएगा। देखिए इसका भी फ्रंट और बैक का साइज़ आप देख सकते हैं, दोनों का साइज़ डिफरेंट है। तो मतलब ऑल टुगेदर जो ये तुम आपके पास 5 डॉटिंग टूल्स है ये आपको 10 डॉट के साइज़ बनाने के लिए यूज़ आएंगे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या रिसीव हुआ है। तो नेक्स्ट जो है हमारा ये टेप, मल्टीपल कलर्स के टेप रिसीव हुए हैं, और उसके साथ जो है हमारे जो नेल का जो टिप होता है उसको परफेक्ट साइजिंग देने के लिए ये स्टिकर्स रिसीव हुए हैं। तो इसको मैं एक बार आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये डिफरेंट साइज़ के स्टिकर्स हैं जिसको अगर आप नेल पे लगाएंगे तो आप एक इवन शेप क्रिएट कर सकते हैं, टिप का भी शेप आपको परफेक्ट उससे क्रिएट हो जाएगा। और उसके अलावा जो है हमारे पास ये टेप्स रिसीव हुए हैं, ये वाइट कलर की टेप है और इस पैकेज में अराउंड 10 टेप्स हमें रिसीव हुए हैं। सारे टेप्स जो है वो मल्टी कलर के टेप्स हैं, तो टोटल 10 टेप्स हमें रिसीव हुए हैं इसमें। और ये काफ़ी पतली टेप्स हैं, अगर आप मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी कि आप किस तरह के डिज़ाइंस जो है इस टेप से क्रिएट कर सकते हैं।
मैक्सिमम कलर्स जो हैं वो अवेलेबल है इसके अंदर, सो टोटल 10 है, जो कि मोर देन इनफ होगा आपके डिज़ाइनिंग के लिए। यू वोंट नीड मोर देन दिस, इतना काफ़ी होगा। और उसके साथ साथ ये एक टिप को डिज़ाइन करने के लिए, ये एक शेप बनाने के लिए टिप जो है हमें रिसीव हुआ है। तो चलिए बात करते हैं, एक जो हमारा नील टेप रिसीव हुआ है उसका देखिए, कलरिंग देखिए इन सारे टेप की, और साइज़ देखिए कितनी पतली पतली है ये। तो चलिए एक मैं पैकेट से निकाल के भी आपको दिखाती हूँ, ताकि एक्चुअली में आपको थोड़ा समझ आए। ये देखिए कितनी पतली और कितनी शाइनी है ये टेप्स, काफ़ी खूबसूरत लगेगी नेल्स के ऊपर, ये देख पा रहे हैं आप। और ये जो है, ये जो शाइनी कलर्स देख रहे हैं, ये जो हमें पैकेज रिसीव हुआ उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं, ये 10 डिफरेंट कलर्स की हैं और उसमें एक वाइट कलर भी है। तो देख पा रहे हैं गाइस ये कितनी पतली है, और ये काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन क्रिएट करने में आपको मदद करेगी, ये काफ़ी फाइन लाइंस की तरह दिखेगी आपके नेल्स पे। चलिए तो बात करते हैं थर्ड प्रोडक्ट की। ये जो है ये आप देख पा रहे हैं, ये नेल ब्रशेज हैं। और ये देखिए इसकी पैकेजिंग की मैं अगेन बात करूँ गाइस, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी की गई है। देखिए ये रियूजेबल पैकेजिंग है, ऐसे आप इसको ओपन कर सकते हैं, इसमें से ब्रशेज आप निकाल सकते हैं, आप ब्रशेज को यूज़ कर सकते हैं और फिर इसके अंदर ही स्टोर बैक कर सकते हैं। तो पैकेजिंग के हिसाब से भी ये थम्स अप है गाइस, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है ये। आप आई विल रिकमेंड कि आप इसे ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए अभी हम देखते हैं एक एक ब्रश को, कि हमारा जो एक एक ब्रश आया है उसका डिज़ाइंस कैसा है और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये सारे ब्रशेस को पहले तो निकाल लिया है, और अभी अभी आप गाइस देख सकते हैं कि ये जो ब्रशेस है जब आप नज़दीक से देखेंगे तो ये सारे साइज़ में आए हैं, जो भी कुछ बड़े साइज़ के हैं, कुछ छोटे साइज़ के, मतलब कुछ वाइड हैं, कुछ काफ़ी थिन है। तो मतलब कि ये सारे तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए ये ब्रशेस जो है वो मोर देन इनफ होंगे। देखिए ये वाली ब्रश जो है वो अगेन डॉटिंग टूल्स के टाइप की है, तो इसे डॉट्स क्रिएट करने में आपको मदद मिलेगी। ये नज़दीक से आप एक बार देख सकते हैं इसको। देन अगर हम ब्रश की बात करें तो ये वाला जो ब्रश है ये काफ़ी पतला ब्रश है, तो ये पतले डिज़ाइन के लिए होगा। अगेन ये वाला जो है वो सबसे पतला है, ये कोई लाइन वगैरह के लिए काम आएगा। तो इस तरह से हमारे पास आप देख रहे हैं कि जो भी ब्रशेज है वो सारे साइज़ के, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के ब्रशेज रिसीव हुए हैं। ये सारे कुछ पतले हैं, कुछ मीडियम साइज़ के हैं। ये जो भी ब्रशेज आप देखेंगे वो, ये देखिए ये काफ़ी मुलायम है, काफ़ी मुलायम है और काफ़ी अच्छा, मतलब कि इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, फ्लफ़ी है और काफ़ी मुलायम प्रोडक्ट है। और ये जो है इसी की तरह जो है एक और जो हमारा ब्रश है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ब्रशेज में यहाँ आपको टोटल सारे तरह के जो है ब्रशेज मिल जाते हैं। ये भी काफ़ी मुलायम है, तो मटेरियल वाइज भी ये ब्रश बहुत अच्छा है, और जो यूज़ वाइज भी मैं ये ब्रश रिकमेंड करूँगी ये सारे ब्रशेज़ को। तो चलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं कोई एक ब्रश आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए ये वाला ब्रश, देखिए जैसे कि ये वाला ब्रश कितना पतला है, ये पतले डिज़ाइंस के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये ब्रश। तो बेसिकली हमें सारे ही साइज मतलब डिज़ाइंस बनाने के लिए इसमें ब्रश मिल ही गए हैं। तो अगर मैं पतले की बात करूँ तो देखिए ये काफ़ी पतला है, अगर आपको इससे कोई पतली डिज़ाइन बनानी होगी तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको ये सारे ब्रशेज़ का यूज़ करके भी दिखाऊँगी और डिज़ाइंस बना के भी दिखाऊँगी। तो अभी के लिए मैं ये प्रोडक्ट बिल्कुल रिकमेंड करती हूँ, मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट है, थम्स अप है, बिल्कुल आप ये प्रोडक्ट के लिए जा सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी जहाँ से आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।